नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। इस समय हम मौजूद हैं पूरे भारत के रामलीला के सबसे ऊंचे और बड़े रामलीला स्टेज पे। आपको बता दें, श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा द्वारा ग्रेटर नोएडा के साइट 4 में भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम खड़े हैं, एक स्टेज नीचे है और एक ऊपर है, 3 मंजिला ये सुंदर भव्य स्टेज बनाया गया है। और आपको बता दें 5 स्टेट वहाँ से यहाँ तक आपको नजर आएंगे जो लगभग 250 फुट के हैं। हम सबसे पहले बातचीत करेंगे जो रामलीला के महासचिव है विजेंद्र आर्या से और जानेंगे कि किस तरह से ये रामलीला खाते हैं। सर देखिए, महासचिव बोलना तो आपको बहुत छोटा सा शब्द हो जाए। हमने देखा है आप यहाँ के जो कला है, संस्कृति, उसको भी सजो के रखने का कहीं ना कहीं बहुत काम कर रहे हैं। अगर रामलीला के मंचन की बात करें तो कैसे आपके मन में ये विचार आया कि 3 मंजिला और ये 5 स्टेज? ये जो रामलीला है ये हम 19 साल से इसको करते आ रहे हैं, 19वां साल है। और जब हम करते हैं, जब शुरू में हमने किया तो कुछ और था, और ऐसे ही चढ़ते हुए स्टेप के साथ इस रामलीला को बहुत सुंदर बनाने में अहम भूमिका हम सभी रामलीला कमेटी के लोग निभाते हैं और कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं और सभी देखते हैं इस बात को, तो कुछ ना कुछ, क्योंकि है तो रामलीला और रामलीला का ही, रामायण का ही इसमें नाटक होता है, प्ले होता है, मंचन होता है, स्टोरी वही है, और फिर भी लोग इसको देखने के आते हैं क्योंकि सदाबहार है ये, तो इसलिए। और इसमें कुछ ना कुछ नया इसमें इसके अंदर होता है। सर आपने जैसे कहा कि रामलीला काफ़ी जगह हो रही है लेकिन ये रामलीला देखने लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों ये है रामलीला खास से? ये खास इसलिए है कि हम किसी की नकल नहीं करते, हम जो करते हैं कि इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। एक तो मेन बात ये है कि इसमें एक तरह से विश्व रिकॉर्ड भी है इसका, चाहे कोई माने या ना माने, क्योंकि इसमें 55 फीट का धनुष और 50 फीट ऊपर जाकर के खंडित होता है। इस रामलीला में 2 धनुष एक साथ खंडित होते हैं, एक धनुष 12 फीट का रामचंद्र जी के हाथ में होता है और एक 55 फीट का धनुष 50 फीट ऊपर उस चोटी के ऊपर होता है। दोनों धनुष एक साथ खंडित होते हैं तब होता है सीता स्वयंवर। अपने आप में ये अनोखा मैजिक कार्यक्रम है, किस तरह से ये एक साथ दोनों खंडित होते हैं, क्योंकि लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है, जरा सा भी कहीं भी मिस नहीं, बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे आप पिक्चर देख रहे हो। और इसमें जो विशाल जटायु का युद्ध हम दिखाते हैं वो भी लिफ्ट क्रेनों के ऊपर होता है, सबसे ऊपर हाइट पर, वो भी कम से कम 50 फीट ऊपर होता है। तब रावण से युद्ध होता है, जब सीता को चुरा करके ले जाता है रावण, तो वो विशाल युद्ध आकाश में ऊपर होता है। दूसरा, हमने 35 फुट की गदा यहाँ पर लगाई है, सामने लगी हुई है 35 फुट की गदा, वो भी अपने आप में एक अनोखा है, अच्छा है। दूसरा, हमने यहाँ पर जब 2 अक्टूबर से कार्यक्रम हमने शुरू किया, क्योंकि 45 स्कूलों के बच्चों का कंपटीशन था, विशाल कंपटीशन था, इस विशाल मंच पर जो धमाल मचाया बच्चों ने, तो 2 अक्टूबर से हमने इसको शुरू किया। जब 2 अक्टूबर था तो हमने विशाल 2 चरखे, जो सामने आप देख रहे हैं, विशाल 2 चरखे बनाए, क्योंकि 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है, तो इसलिए हमने 2 चरखे विशाल बनाए। तो कुछ ना कुछ नया लेकर के आए हैं। और दूसरा, इसको क्यों देखने दूर दूर से आ रहे हैं, इसमें वो बातें हैं गजानन माली जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें आपने कहीं भी नहीं देखी होंगी, यहाँ पर 2 मंजिल खाट भी है इस प्रदर्शनी के अंदर, जो आज तक ना आपने सुनी ना देखी। तीसरी खाट है त्रिभुज, त्रिभुज की कोई खाट आज तक आपने नहीं देखी होगी ना सुनी होगी। आप देखेंगे तो विजय महोत्सव के अंतर्गत श्री रामलीला कमेटी के इस रामलीला मैदान में साइड 4 सेंट्रल पार्क में देखेंगे, और फिर आगे देखेंगे 3 नंबर की खाट, वो चौकोर खाट, और फिर एक देखेंगे गोल खाट। ये ऐसी खाटें हैं जो आज तक आपने ना देखी ना सुनी, 2 मंजिल खाट, चौकोर खाट, गोल खाट,
त्रिभुज खाट, चारों तरह की खाटें आपने जिंदगी में ना देखी ना सुनी। आइएगा ग्रेटर नोएडा के सेंट्रल पार्क साइड 4 के रामलीला मैदान में और देखिएगा ये चमत्कार। देखिए आपने कहा लोग देखने आ रहे हैं, कल दशहरा है, हम सामने देख सकते हैं जो पुतले हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनको स्थापित किया जा रहा है, कल इनका दहन है, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए, दर्शक देखने काफी उमड़ने वाली है कल भी। ये तीनों पुतले अब इस टाइम खड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, खड़े होते हुए देख रहे हैं। ये विशाल पुतले बनाए गए हैं 75 फुट और 65 फुट और 60 फिट के तीन पुतले हैं और इन तीनों का कल दहन होगा यहाँ पर। सबसे पहले 4 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आधा घंटे का हम देशभक्ति से ओत प्रोत रोंगटे खड़े कर देने वाला कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद रामलीला का मंचन शुरू होगा और उसके बाद रावण के पुतलों का दहन और फिर रंगीन आतिशबाजी का भव्य कमाल। आइएगा देखिएगा, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सर टेनिस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि साइड 4 की रामलीला काफी भव्य है। स्टेज की बात करें, इसके मंचन की बात करें और आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जो है ना आर्ट गैलरी लगाई है, साथ ही यहाँ जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके साथ साथ देशभक्ति से भी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए कल दशहरा है और आप देखेंगे जो तीनों पुतले यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के, कल इनका दहन किया जाएगा। आपको बता दें बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ होने वाला है, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ लोग आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि व्यवस्था काफ़ी अच्छी यहाँ की गई है, लोगों के बैठने के लिए काफ़ी व्यवस्था है और झूले भी हैं, खरीदारी के लिए सामान भी है, खाने पीने की वस्तुएं भी हैं। और मैं ज़रूर कहूँगी कि आप भी साइड 4 की रामलीला में अपनी फैमिली के साथ जरूर आए और दशहरा के पर्व का आनंद ले। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं।